হাম্বা হাম্বা রো রো করে কি করে হাম্বা হাম্বা রাম্বা রাম্বা কাম্বা কাম্বা দুম্বা দুম্বা বুম্বা বুম্বা বাম্বা বাম্বা अब क्या मुमताज बानो यहाँ भी केस करेगी? जिन्हें नहीं पता आपको बता दूं कि ये वाली मीम शेयर करने पर मुमताज बानो की पुलिस ने गिरफ्तार करने की धमकी दे डाली, और फिर जब वही सेम मीम मोदी जी की बनाकर पोस्ट की गई तो मोदी जी उस मीम को शेयर करके एंजॉय कर रहे हैं। अब आप लोग खुद ही तय कर लें कि कौन ताना सहा है और कौन लोकतांत्रिक नेता है। तो राम राम मेरे प्यारे आईवनों की हलचल मजामा, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफ्रॉन पैट्रियट में, और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। और हाँ, अपनी आज की इस वीडियो में इस क्लिप को बस देखिए। एन भैया जी ने योगी जी को चैलेंज दिया था, तो योगी जी ने इनका चैलेंज स्वीकार कर लिया। ये बताओ, देश का प्रधानमंत्री कौन है? हम नरेंद्र मोदी। केजरीवाल को जानते हो? हाँ, जो जेल में रोटी खा रहा है। आज देश का बच्चा बच्चा जानता है कि कौन क्या है और कौन देश के लिए बेहतर है। शोले फिल्म का एक डायलॉग आप लोगों ने अवश्य सुना होगा, आप लोगों को याद भी होगा कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, बट बसंती का तो पता ही, लेकिन कांग्रेस के आज यही दिन आ चुके हैं। देख रहे हो ये रैली अखिलेश यादव की है, लेकिन वोट बीजेपी को दियो, बीजेपी को। झंडे आ रहे हैं, बीजेपी को दियो, अभी बोल पा रहे हैं सब जगह, समझ रहे हो ना? 5 मिनट में सब झंडे झंडे नजर आए। भाई ने सही कहा, रैली में मनोरंजन करना एक अलग बात है, बट देश की सत्ता सही हाथों में पहुंचाना अलग बात है। ये नेहरू जी की सपना था कि गरीब बहुत गरीब बने, अमीर और अमीर बने। ऐसे ही नहीं, इस कांग्रेस पार्टी की लुटिया डूबेगी। सेकंड नंबर पर खड़गे जी का नाम अवश्य लिखा जाएगा लुटिया डुबाने वालों में, और फर्स्ट नंबर पर किसका नाम लिखा जाएगा ये आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। हम लोग इस बार बहुत मजबूत स्थिति में हैं यहाँ, और बीजेपी का हवा जो है गुल है। 2 चरण का चुनाव हो गया, 3रा चरण का चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी के लोग डिप्रेशन में है, एनडीए के लोग डिप्रेशन में है। लगता तो नहीं बेचारे तेजस्वी भैया अपने हालात बीजेपी के नाम पर बताते हुए। फिलहाल जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद हमारे तेजस्वी भैया गहरे डिप्रेशन में जाने वाले हैं। इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है दादी जी? कमल का फूल। हाँ, कमल का फूल। अच्छा, ठीक है। भाभी जी का क्या होगा फिर? हमें क्या पता क्या हो ये? इधर सुनो, आप ये तो गढ़ है ना समाजवादी का, यहाँ पे इतना बड़ा कह रहे हैं कि भैया समाजवाद यहाँ से जिंदा रहेगा हमेशा, और आप तो यहाँ पर कमल का फूल खिला रही है दादी। अच्छा एक बात बताओ, ये कमल के फूल पर वोट देने का कारण क्या है? हमें नहीं पता का जो बेटी है। तो फिर कौन बोला आपको कि कमल के फूल पर देना है? हम बोले अपने आप से। ये बढ़िया था भाई कि हम अपने आप से बोले कि बीजेपी को ही वोट देना चाहिए। राहुल गांधी बहुत वादे करके गए, छत्तीसगढ़ में महिलाओं को 8,000 महीना देंगे, 1,00,000 सालाना देंगे, तो उनके वादों पर विश्वास नहीं है क्या? मैम मैं ज्यादा बोलूंगा, आज उनका नाम कोई पप्पू दिया है ना, बहुत सोच समझ के दिया है। आज जिसके पीछे में दुनिया पागल है उसको वोट दो ना भाई, जो पागल है उसको काहे को वोट दोगे? तो आप कह रहे राहुल गांधी को कोई वोट? पागल है पागल ना, उनको थोड़ा सा तमीज है ना, तरीका है किस टाइप से बोलना चाहिए, जिस टाइप से एक वजनदार चीज में एक वजूद रहना चाहिए, उसमें कोई नाम चीज की नाम का चीज ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है? सीखना पड़ेगा मैम, सीखना पड़ेगा, अभी छोटा है वो। तो एक बड़ी पार्टी के नेता है, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। परिवारवादी से कुछ नहीं होता मैम, उसको राष्ट्र और देश के बीच में क्या है और राष्ट्र किसे कहते देश किसे कहते उसको पहले जान दे, वो फिर करे कि वो प्रधानमंत्री बनने लायक, वो खुद सोचे। हमको नहीं चाहिए, दुनिया को नहीं चाहिए, वो खुद सोचे कि मैं लायक हूँ या ना लायक हूँ, वो खुद सोचे। चमचों के अलावा पूरी दुनिया जान चुकी है कि पप्पू नाम किस लॉजिक के साथ दिया गया था। पर मंदिर नहीं गए आप लोग? वो मंदिर तो बेकार का है, बेकार का है। और क्या, मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? मंदिर ऐसे नहीं बनते, पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बनते, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। ये मंदिर तो आपने करोड़ों राम भक्त की इच्छाओं के बाद बनाया वो राम मंदिर। राम भक्त इन्होंने नहीं दिया था, नक्शा ठीक नहीं बना उसका, वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया मंदिर को। अब यही दिन देखने को बचे हैं कि इसके जगह दल्ले आकर बताएंगे कि राम मंदिर कैसे बनना चाहिए था। आर यू प्रेइंग टू योर गॉड्स?
मैं भगवान मानता हूँ लेकिन मैं पूजा नहीं करता। Is Dimple praying to her gods? नहीं, वो भी मैं नहीं समझता इस बात को इस तरीके से ले। मैं भगवान को मानता हूँ लेकिन पूजा नहीं करता हूँ, बट हाँ जब चुनाव आते हैं तब हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए मंदिर अवश्य चला जाता हूँ। जो ST SC OBC वाले इन लोगों को अपना हिस्सा ही समझ रहे हैं, आप लोग अवश्य याद रखिएगा कि अगर कांग्रेस पार्टी गलती से सत्ता में आती है तो ये आपके हिस्से का रिजर्वेशन मुसलमानों को दे देंगे, तो कृपया करके वोट देते वक्त इस बात को याद अवश्य रखिएगा। मुख्यमंत्री की तो बात मत करो, इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि झूठा और नाटक नौटंकी वाला करने वाला अब तो नरेंद्र मोदी जी भी इससे खतरा महसूस कर रहे हैं। इन दलों को बोलने की भी तमीज नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए किस भाषा का उपयोग करना चाहिए और किस भाषा का नहीं। ये खुद नमाज पढ़ने में एक्सपर्ट ना, तो इन्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब हमारे देश का प्रधानमंत्री मंदिर जाता है, माथे पर तिलक लगाता है, कन्या पूजन करता है, तब इनकी तशरीफ से खून बहने लगता है। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वा। आज इस आम आदमी पार्टी के कई नेता जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर इस पार्टी की नींव रखी थी, शुरुआत से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, वो आज अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार व इसके दोगलेपन से तंग आकर आज इस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, इस पार्टी को छोड़ रहे हैं। कुछ समय बाद जब मैं छत्तीसगढ़ गई तो लगातार मुझे अपमानित किया जा रहा था, और यहीं से बात शुरू नहीं होती। जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी तो वहां के जो मीडिया चेयरमैन थे छत्तीसगढ़ के, सुशील आनंद शुक्ला, उनका मैं नाम सुशील तो अब कहना शोभा नहीं देता, दुशील ही कहेंगे उन्हें, तब भी उन्होंने राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान मुझे शराब ऑफर करी। उनके साथ एक और उनके साथी थे धनंजय ठाकुर, और मैं यहां से कांग्रेस के दो लड़कियां जो काम करती थी मीडिया डिपार्टमेंट में वो मेरे साथ थी, और उनके सामने ही हुआ कि लगातार मुझे रात को कमरे में, जब हम कोरबा में थे, जब हम वहां पे यात्रा में वेट कर रहे थे रात को, तो मुझे लगातार फोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुंचाने का काम करेंगे, और शराब पी के 5 से 6 इसके प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे। ये बात मैंने सचिन पायलट जी को भी तब कही थी, वहां के प्रदेश अध्यक्ष को भी, दीपक बैज जी को भी कही थी, और दिल्ली में भी जयराम रमेश जी से लेकर पवन खेड़ा जी सब तक मैंने ये बात बताई थी कि इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के समय मेरे साथ किया गया, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। मैंने तब भी ध्यान नहीं गया कि ये सब इसीलिए मुझे इग्नोर किया जा रहा है, ये मेरी बात को नहीं सुना जा रहा है, क्योंकि मैं पार्टी की जो विचारधारा है, जो हिंदू विरोधी विचारधारा है, राम विरोधी विचारधारा है, उसके साथ मैच नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए इस तरीके से मेरे साथ बदसलूकी करी जाएगी और कोई भी नेता कुछ नहीं बोलेगा। क्या लगता है आपको कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती तब क्या ये पार्टी आपकी बहन बेटियों को न्याय दिला पाएगी? जो पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे इस तरह के व्यवहार पर मौन है, वो आपको क्या ही न्याय दिलाएगी? बड़ी खबर आपको देते हैं, झारखंड में ईडी ने बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया है, और जांच के दौरान ईडी को ये कामयाबी मिली है। तस्वीरें देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। किसके पास ये पैसा जाता था? ऐसे ही थोड़ा कोई खरीद दे रहा है इंग्लैंड में होटल। झारखंड के मंत्री आलमगीरी के निजी सचिव संजीव लाल के सहायक के घर पर ईडी ने छापेमारी कर 20 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं, और ईडी अभी भी बरामद कैश की गिनती कर रही है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आलमगीरी झारखंड विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं। बाकी का आप लोग इतने समझदार ही होंगे कि ये रुपए चाहे नौकर के यहाँ मिले या नौकर के यहाँ मिले, बट जो रुपए का असली मालिक है वो कौन है ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और इस समय ये पार्टी सत्ता में नहीं है, बट उसके बावजूद भी इनके छोटे मोटे विधायक भी करोड़ों का घोटाला करते रहते हैं। तो आप लोग विचार कीजिए कि अगर इस मानसिकता की पार्टी सत्ता में जाती तो हमारे देश की क्या ही स्थिति होने वाली है। आज इस समय बीजेपी सत्ता में, इसलिए ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं और इन पर कार्रवाई हो पा रही है। लेकिन खान साहब, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो पक्षपात कर रहे हैं मुसलमानों को, वो बुलडोजर चला रहे हैं। तो हमारे ऊपर आज अलग डिगाड़े, हम करे लाल गोपालगंज में, मेरा घर है जिला प्रयागराज का, इमामगंज वार्ड नंबर 6 में आ जाए, बकरा बना के काटेंगे योगी को, अगर आ जाए मेरे घर पे बुलडोजर चला के डिगाड़े दे रहे हैं। चैलेंज दे रहा हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी। बाबा जी, मैं उस दिन नशे की हालत में मीडिया वाले ने मुझसे छेड़ के आपके बारे में गलत सवाल निकला। आप उत्तर प्रदेश में अच्छे काम कर रहे हैं, आप जो है
उत्तर प्रदेश में विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अब गलती की माफी मांग रहे। उस दिन मैं मीडिया वाले को बोला, जब मैं होश में आया सर, उस दिन मीडिया वाले के पास गया कि मेरी एक माफी नामक वीडियो बना के डाल दो, मुझे माफी मिल जाएगी। वीडियो बनाया मगर मेरी वीडियो नहीं डाला। यूपी पुलिस अब कहीं से भी ढूंढ के ला के उनको जो है उनको सबक सिखाती है। और अब यूपी का विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं सर। मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर से माफी मांग रहा हूँ। आप अच्छा काम कर रहे हैं यूपी के लिए, अच्छा विकास कर रहे हैं। लगता है कि योगी जी ने चैलेंज स्वीकार कर लिया। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।